फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्नो हिस्ट्री टीवी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम ऐसी रहस्यमय चट्टान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अंडे देती है। आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो अंडे देती है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। दुनिया अजब गजब तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया है अजीब चीज़ों से भरी है जिसके बारे में हमको भी नहीं पता होता है। आपने अभी तक पक्षियों या जानवरों को अंडे देते हुए देखा या सुना होगा, मगर क्या आपने कभी सपने में भी यह सोचा होगा कि कोई पहाड़ की चट्टान भी अंडे दे सकती है? आपको बता दें, चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपनी अद्भुत चीज़ों के लिए दुनिया में पहचान रखता है। यहाँ हर गली में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हर एक देश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी देश से मेल नहीं खाती। ऐसे ही चीन से एक अजीब चीज़ के बारे में पता चला है जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। यह चट्टान चीन की दक्षिण पश्चिम के गिछोड़ प्रांत में स्थित है। इस चट्टान की ऊंचाई करीब 20 मीटर और लंबाई 6 मीटर है। इस चट्टान को चीन में चन दन या के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान का रंग काला है और यह हर 30 साल में अंडे के आकार के पत्ता गिराती है। फ्रेंड्स, यह अपनी इस बात को लेकर आज पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये चिकने अंडे पहले तो एक कवच में होते हैं और चट्टान को सेती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये अंडे सतह पर गिर जाते हैं। इस चट्टान ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग हिलाकर रख दिया है। इस चट्टान का नाम दनिया है। हिंदी में इसका मतलब है अंडे देने वाला पत्थर। इन पत्थरों से निकले अंडे को स्थानीय लोग खुशी का प्रतीक मानते हैं। ये अंडे जब जमीन पर गिरते हैं तो गांव वाले इन्हें अपने घर ले जाते हैं। ये काली और ठंडी चट्टान है जो कई क्षेत्रों में आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन इसके अंडे देने की खबर आज समस्त विश्व में एक चर्चा का केंद्र बनी है। साथ ही इन चट्टानों का बदलता रूप वैज्ञानिक को भी परेशान कर रखा है। अगर हम भूवैज्ञानिकों की माने तो यह चट्टान 500 मिलियन साल पहले की है। इस चट्टान को वैज्ञानिकों ने कैम्ब्रियन समय का माना है। इन पत्थरों को गंडा पहाड़ के खास हिस्से से बनी थी। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम और पर्यावरण के समय समय पर बदलाव होने के कारण इन चट्टानों को भी कभी कभी उच्च तापमान तो कभी बेहद ठंडा मौसम झेलना पड़ता है, जिस कारण इनकी संरचना और इन तत्वों में बदलाव को देखा जा सकता है। यही वजह है कि इस पत्थर कई तरह की आकृतियाँ उभर आती हैं। हालाँकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस चट्टान पर ये एकदम अंडाकार और चिकनी आकृतियाँ कैसे बनती हैं। ये हमारी आज की एक शानदार वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और भी ऐसी रहस्यमय चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।